जिले के नवपदस्थ एसपी भावना गुप्ता ने पदभार संभालते हुए ही पुलिस कार्यप्रणाली में बदलाव शुरू किया और पुलिस को आम जनता के बीच जोड़ने के लिए नित नए आयाम कर रहे हैं। दरअसल आगामी कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसे लेकर अब पुलिस सतर्क नजर आ रही है। जिले के संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को चिन्हित किया जा रहा है, जिससे चुनाव के समय वहाँ शांति का माहौल बना रहे। जिले के ऐसे 280 गांवों को चिन्हित कर रहे हैं। वहां पुलिस समाधान कैंप लगाकर लोगों को क्राइम, साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी जैसे मामलों के प्रति जागरूक किया जाएगा। अभी इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के तहत हमारे जितने भी यहाँ पे संवेदनशील इलाके हैं, जो पूर्व के इलेक्शन दौरान किन्हीं कारण वर्ष संवेदनशीलता के क्राइटेरिया में आते हैं, सभी जगह पे माननीय आईजी सर के निर्देश से जीओस को, राजपत्रित अधिकारियों को एवं थाना प्रभारियों को वहाँ पे समाधान शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ में वहाँ पे जो पोलिंग बूथ्स हैं, वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए दिए गए हैं। और खुशी की बात है, ये अभियान के तौर पे लगभग 280 जो हमारे विलेजेस हैं उसको हम अगले 2 महीने में कवर करेंगे। और हमारे सभी राजपत्रित अधिकारी निरंतर हफ्ते में 2 से 3 दिन जाके ऐसे सभी जगह पे समाधान शिविर ले रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और अगर कोई समस्याएं सामने आती हैं, कोई अवैध गतिविधियों की सूचना आती है, उसमें तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। मैम, चुनाव सामने है, लगभग 3-4 महीने का चुनाव है, तो ऐसे गुंडे मवाले की भी सूची तैयार की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा? निश्चित रूप से इसी का एक पहलू जो संवेदनशीलता का एक क्राइटेरिया वो भी है कि जो लोग, ऐसे लोग जो किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं, उनकी सूचियों को अपडेट किया जा रहा है और उनके विरुद्ध में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई बहुत जल्द की जाएगी।